कांग्रेस के संसदीय सम्मेलन में गूंजा बीजभद्र का नाम। कभी कांग्रेस के मजबूत गढ़ रहे मंडी संसदीय क्षेत्र में सियासी भंवर में फंसी कांग्रेस को अब वीरभद्र के सहारे की दरकरार है। मंडी संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस पदाधिकारियों का सम्मेलन बिपाशा सदन में आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं कांग्रेस में वापस लौटे दिग्गज नेता पंडित सुखराम के अलावा मंडी के वरिष्ठ कांग्रेस नेता कौल सिंह ठाकुर, विधायक विक्रमादित्य, कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर और रामपुर के विधायक नंदलाल, पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि 2 माह पूर्व ही उन्हें राहुल गांधी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेवारी सौंपी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जहां वरिष्ठ नेताओं का सम्मान करती है, वहीं पर युवा सोच को भी आगे बढ़ाती है। इसी के बीच संतुलन रखते हुए 4 प्रत्याशियों का चयन किया गया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने यह संदेश दिया है कि लोकसभा चुनाव में बेहतर परिणाम देने वाले ही विधानसभा के टिकट के दावेदार होंगे। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पूरे प्रदेश के साथ साथ मंडी में भी चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि ये चुनाव धर्मनिरपेक्षता बनाम सांप्रदायिक ताकतों के बीच हो रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी हिटलर की तर्ज पर काम कर रहे हैं। वहीं पंडित सुखराम ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के आशीर्वाद से आश्रय शर्मा सांसद बन जाएंगे। वहीं पर केंद्र की सरकार बनाने में आश्रय का योगदान रहेगा। उन्होंने कहा कि उनके समर्थन के बाद ही भाजपा को मंडी में 9 सीटें मिली हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि वीरभद्र सिंह मंडी में आश्रय शर्मा के प्रचार के लिए आएंगे। आज NSUI का 7वां दिवस भी है और आज हमको परिवार के रूप में एक साथ बैठने का मौका भी मिला है। आप जानते हैं कि मंडी संसदीय क्षेत्र देश का दूसरा नंबर का सबसे विशाल बड़ा संसदीय क्षेत्र है। इतना बड़ा संसदीय क्षेत्र है कि जब मैं 15 विधानसभाओं का दौरा किया तब मेरे को ठीक ठीक आभास हुआ कि आम व्यक्ति के बस का काम नहीं है इस संसदीय क्षेत्र को और इस संसदीय क्षेत्र की बात जो है दिल्ली तक पहुंचाना। आप जानते हैं सारा विधानसभाएं हमारे संसदीय क्षेत्र के अंदर लगती है, दूर दराज के इलाके ट्राइबल इलाके भी इसका हिस्सा हैं और ऐसे दिग्गज ऐसे सूरमा कांग्रेस पार्टी के रहे जिन्होंने इस संसदीय क्षेत्र से उठकर अपनी स्थापना देश के अंदर देश की राजनीति में की, हिमाचल की राजनीति में की। सारी कमान का फैसला है, हाईकमान ने जिसको टिप किया हमें उसका काम करना है। आपने देखा है हम फील्ड में जाते हैं कोई भाई देखता है चौधरी साहब हमने तो मोदी को देखना है, मोदी को वोट देना है। यू मोदी को भी वोट दे, क्या मोदी ने किया 2014 का जो घोषणा पत्र था उन्होंने किया, मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा और उनके जो वायदे थे तो रोकने की बात थी, चाहे डीजल पेट्रोल और गैस की कीमतों को रोकने की बात थी, चाहे एक साल में 2 करोड़ बेरोजगारों को देने की बात थी, रोजगार देने की बात थी, कोई भी कानून के माध्यम से नहीं हो पाया। हम सुनील शर्मा जी का नहीं है, ये मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का है और ये बात जगह जगह पे कही जा रही है कि मैं एक शरीफ नेता हूं, मगर मैं ये बात आज इस मंच के माध्यम से जरूर कहना चाहूंगा कि शराफत के मुखौटे के अंदर ज्यादा समय तक राजनीति नहीं करी जा सकती। शराफत जरूर है मगर उसके साथ साथ आपको अपने क्षेत्र का विकास करवाना भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे बातें कही गई कि हम एयरपोर्ट बनाएंगे, यहाँ पे बातें की गई कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो है टूरिज्म का सेंटर यहाँ पे बनाएंगे और अभी पीछे जो है बजट का जो घोषणा की गई उसमें कहा गया कि 4 धाम मंडी के अंदर टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए बनाया जाएगा। मगर मैं आज इस मंच के माध्यम से ये बात आपको बताना चाहूंगा कि पहला मुख्यमंत्री ऐसा देश के अंदर होगा जिसका चुनावों के 1 महीने के अंदर अंदर अपने विधानसभा क्षेत्र में नारे लगने उनके खिलाफ शुरू हो गए, तो ये उसकी को दर्शाता है कि वो कितने लोकप्रिय नेता है और ये चीज हम लोगों को लोगों के बीच लेकर जानी है।